सबसे ज्यादा लेडीज को हीमोग्लोबिन की कमी, लो हीमोग्लोबिन, उसके लिए क्या करें? हीमोग्लोबिन की, विटामिन डी की, विटामिन बी12 की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी कम हो जाते हैं। एक बात सुनो, एक तो होता है थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया भी अच्छा हो जाता है, थैलीसीमिया उसमें तो बहुत ही, जिनका 5-6 तक आ जाता है ना उनको माइनर थैलीसीमिया फिर कहते हैं अब तुमको तो ये हो गया, अब आगे नहीं, फिर चक्कर आते हैं उनको। एक तो कपालभाति, लेडीज के लिए खास सुन लो, मेरा हीमोग्लोबिन, मैंने 18 इयर्स तक तो ग्रेन लिया ही नहीं कोई भी, नो राइस, नो पल्सेस, नो चपाती, नो वीट, मकई, मेज, कुछ नहीं, खाली मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, बस ये लिया 18 इयर्स तक। मैंने कपालभाति से अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया है, लास्ट 25 ईयर से मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5 से नीचे लगभग नहीं आता है, 17 मेंटेन रहता है। एक तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स लेता हूं, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास जानते हो ना, वीट का ग्रास लेके उसका रस निकालना, वीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, ये सब अच्छा होता है। और दाड़म, अनार, दाड़म, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये अद्भुत है, ये वीट ग्रास हमने ऐसे भी निकाल दिया और जूस के रूप में भी निकाल दिया जिसको लेना हो। ये गिलोय का भी जूस निकाल दिया हमने, लोग ना आलसी होते पीते नहीं है तो हमने रेडीमेड भी निकाल दिया है, क्योंकि आजकल लोग उबाले कौन, पकाए कौन, छाने कौन, ये गेहूं का जवारा और एलोवेरा इसका रस भी है, ये भी पी सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। और ये वीट ग्रास का पाउडर भी है, वीट ग्रास को ड्राई करके और उसका पाउडर कर दिया, एक एक चम्मच खाने से आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, ये बहुत जरूरी है। फिर उसमें आप मुनक्का और अंजीर भी ले सकते हैं, गाजर, कैरेट का जूस पी सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पेरू, अमरूद ले सकते हैं, सारी जो अच्छी चीजें हैं वो तो हेल्प करेंगी। कपालभाति जरूरी है।